हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस के जो दो वीडियोस मैं बनाए थे उसमें मैंने आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 रीड करके समझाया था डिटेल में कि फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने सीखा था ये वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे पहले दूसरे, तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें जो एक्सप्लेन किया है ना, इस वाले वीडियो में हम उसी का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत आसानी होती है। तो वो वीडियोस आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, यानी ये वाला वीडियो, और इसमें हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं यानी कि जो आपके नोट्स हैं उनको कंप्लीट कराते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, उसमें हमको कुछ प्रोसेस के बारे में दिया गया है और ये बताना है कि वो फिजिकल है या फिर केमिकल है। जैसे कि देखो, फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, जो पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसमें हम लोग सन का यूज करते हैं, सन मतलब कि सन की रोशनी का, सूरज की रोशनी का, वाटर का यूज करते हैं, एयर का यूज करते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनाते हैं, जिसके बारे में आपने क्लास 7 में पहले ही पढ़ रखा है, शुरू के चैप्टर में जो था हमारा, चैप्टर नंबर 1 या 2 में था शायद। तो वहां पर देखो, एक नया हमारे पास नया प्रोडक्ट बन रहा है। केमिकल चेंज किसको कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हमारा एक नया प्रोडक्ट बने, जब कभी भी कोई ऐसा चेंज हो जिसमें एक नया सब्सटेंस बने, नया प्रोडक्ट बने, उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। और ये इरिविजिबल होता है, यानी ये वापस नहीं आ सकता, एक बार ये हो गया तो हो गया, अब इसको हम लोग वापस नहीं कर सकते इस टाइप के चेंज को। और फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता है, केवल जो भी हमारे सामान थे उसका शेप हो जाएगा या साइज या कलर, ये सब चेंज हो जाएंगे, तो वहाँ पर फिजिकल चेंज होता है, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस में एक नया प्रोडक्ट बन गया, सब्सटेंस बन गया कार्बोहाइड्रेट, इसलिए सिंपली केमिकल चेंज हो गया। अब देखो, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, यानी कि जब हम लोग शुगर को वाटर में घोलते हैं तो शरबत बनता है, लेकिन अगर आप उसी वाटर को क्या करोगे ना, एवोप्रुएट कर दोगे, यानी कि बहुत देर तक उसको गर्म करना, तो देखना धीरे धीरे पानी पूरा उड़ जाएगा और फिर से आपको शक्कर मिल जाएगा, भले क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन दोबारा से आपको शुगर मिल जाएगा। यानी कि ये रिविजिबल चेंज है, इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा फिजिकल चेंज होगा। इसको हम लोग दोबारा, जैसे शुगर को वाटर में अगर घोल दिए तो दोबारा शुगर उसमें से निकाल सकते हैं, तो इस टाइप का जो चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। तो सेकंड वाला फिजिकल हो गया। बर्निंग ऑफ कोल, यानी जब हम लोग कोयला को जलाते हैं, कोयल को, है ना, कोल यानी कोयला, जानते हो ना, सभी जानते होंगे, तो उसको जलाने के बाद क्या हो जाता है, दोबारा वो कोयला बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, इसीलिए भी क्या हमारा एक केमिकल चेंज है। और किसी भी चीज का, किसी भी चीज़ को अगर आप जला रहे हो, चाहे कागज़ हो, लकड़ी हो, कोई भी अगर बर्निंग हो रहा है, तो समझ जाना वहाँ पे क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक। हाँ, एक होता है वैक्स, यानी कि ये जो हमारा मोम है, तो मोम को भी जलाना, इसके भी आगे एक देखो क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि जो हम लोग मोम होता है, मोम समझते हो ना, मोमबत्ती, कैंडल, तो कैंडल जब जलता है तो कैंडल किस से बनता है, वैक्स से बनता है, जो मोम उसमें लगा रहता है ना, उसको इंग्लिश में वैक्स बोलते हैं। तो वैक्स जो होता है, जब वो पिघलता है, तो देखो पिघल करके वो नीचे गिर जाएगा, तो मोम का मोम ही रहेगा, बस उसका शेप चेंज हो जाएगा, पहले ऐसे खड़ा सा शेप में था, फिर वो पिघल करके नीचे इस टाइप से पहाड़ के टाइप से शेप बन जाता है, या फिर जो भी शेप कह लो आप उसको, तो वैसा शेप बन जाता है, तो बस शेप चेंज हुआ, इसीलिए फिजिकल चेंज है। लेकिन जो जल के उड़ जाता है ना, तो वो दोबारा नहीं आता, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। तो एक क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि जो वैक्स होता है उसका जलना और मेल्ट होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, केमिकल एक फिजिकल है, ऐसा क्यों, तो उसके बारे में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, यानी कि जो एल्यूमिनियम होता है उसको पीट कर यानी कि हथौड़ा वगैरह से ठोक करके उसको क्या बना देना, उसका शीट बना देना, फॉइल मतलब वही पत्ती जो होती है, पतला सा शीट होता है, उस शेप में कर देना, यानी पहले मान लो ऐसा शेप में था, तो उसको एकदम प्लेट का शेप में इसे बना देना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शेप चेंज हो रहा है केवल, वो एल्यूमिनियम का तो एल्यूमिनियम ही है, ये तो नहीं कि एल्यूमिनियम से वो गोल्ड बन गया, तो केवल शेप चेंज हो रहा है, तो सिंपल है, फिजिकल चेंज होगा। और डाइजेशन ऑफ फूड में आ जाते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, आप खाना खाओगे तो क्या दोबारा, जैसे आपने मैगी अभी खाया, वैसे तो मैगी नहीं खाना चाहिए, मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मान लो आपने खा लिया, तो दोबारा से क्या आपके पेट से मैगी निकलता है क्या, मुंह से आप उसको मैं निकालना चाहूँ कि लो भैया मैगी खा लिए, अब दोबारा मुंह से मैगी निकालना चाहो, तो निकले कहीं नहीं, वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो डाइजेशन फूड क्या है, केमिकल चेंज, क्लियर ये चीज़। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पहला क्वेश्चन। दूसरे में आ जाते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है हमको, कि ट्रू और फॉल्स भी बताना है, और अगर फॉल्स है तो उसको हमको सही भी करना है, करेक्ट स्टेटमेंट उसका लिखना है। तो जैसे देखो, पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, अलग से नहीं लिखना आपको, कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीस इज ए केमिकल चेंज, यानी लकड़ी का अगर कोई हमारा मोटा सा लकड़ी है, ठीक है, इस तरीके से उसको हम लोग कट करते हैं यानी कि छोटे छोटे पीस में, तो वो केमिकल चेंज है क्या, तो बिल्कुल नहीं, पहले भी लकड़ी था, अभी भी जब छोटा छोटा कट हो गया तो भी लकड़ी है, बस उसका जो शेप है पहले बड़ा सा था, अब छोटा छोटा हो गया, तो ये भी क्या होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा, फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि केवल शेप चेंज हुआ है। तो बस पूरा उतार देना है आपको कि कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीस इज ए फिजिकल चेंज, बस केमिकल में आपको क्या कर देना, फिजिकल कर देना है। तो स्टेटमेंट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसी से बना लेना, ठीक है। अगर आपके टीचर दूसरा लिखवा भी देते हैं ना अलग से, तो भी मत लिखना, आप इसी को बना दोगे तो गलत निकलेगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखो, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीफ इज अ फिजिकल चेंज, यानी जो पत्ते होते हैं ना, तो पत्तों को सड़ा गला करके खाद बनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। तो जब हम लोग खाद बनाते हैं पत्तों से, तो क्या दोबारा वो पत्ते बन सकते हैं क्या, वो जो खाद बन गया है, मैन्योर बन गया है, वो
दोबारा पत्ता बन सकता है? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा केमिकल चेंज होगा, दोबारा ये रिविजिबल नहीं हो सकता। लेकिन इसमें क्या बोल दिया, फिजिकल चेंज बोल दिया, तो बस उसी को सुधार के कर दो, केमिकल चेंज खत्म। सी में आ जाते हैं, आयरन पाइप कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड ईजिली। यानी कि जो आयरन पाइप होता है, यानी कि आयरन का जो मान लो कोई भी सामान, पाइप नहीं कुछ भी, अगर आयरन का सामान है उसके ऊपर अगर अपन जिंक लगा देते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गैल्वेनाइजेशन के नाम से। अब मैंने आपको चैप्टर जब रीड कराया था तो एक पॉइंट आया था ना, गैल्वेनाइजेशन कहाँ गया, क्रिस्टलाइजेशन के पहले था। ये देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया भी था कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, और आगे क्वेश्चन दिया हुआ इससे रिलेटेड, तो वहाँ पर हम लोग और डिटेल करेंगे, ठीक है। तो जिंक लगाने से यही फायदा होता है कि जो रस्ट होता है, जंग जो लगता है ना आयरन में, वो आसानी से नहीं लग पाता, बहुत लेट से लगता है। तो ये सही बात है कि अगर हम लोग आयरन की पाइप में जिंक लगा देंगे तो ये अच्छे से, यानी जल्दी से क्या बोलते हैं, रस्ट इसमें नहीं होगा, खराब नहीं होगा पाइप। तो ये ट्रू है, ठीक है। डी वाले में आते हैं, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। बिल्कुल गलत बात है, मैंने आपको इसको जब चैप्टर पढ़ाया था तो कहीं पर अंडरलाइन भी किया था, शुरू में ही था, ये एकदम स्टार्टिंग में ही था कि जो हमारे आयरन और जो रस्ट है वो अलग अलग सब्सटेंस है। ये बुक में भी आपको एकदम साफ साफ लिख के दिया है, इसीलिए इसको हम लोग केमिकल चेंज में लेते हैं कि आयरन जब एक बार रस्ट हो जाता है, सड़ जाता है, तो रस्ट अलग चीज़ है, एक नया सब्सटेंस है, जिसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं शायद, हाँ फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। आगे इसके बारे में दिया हुआ है, ये जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत मज़ेदार इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड जो डिटेल क्वेश्चन है वो आगे एक बार आपको और दे दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर वही चीज़ है कि आयरन, वही चीज़ का मतलब इसका आंसर लिखना है फॉल्स था, तो इसको सही करके लिखना है। तो आयरन एंड रस्ट आर डिफरेंट सब्सटेंस, क्योंकि जो रस्ट होता है हमारा वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, क्लियर। लास्ट में आ जाते हैं, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। यानी जो कंडेंसेशन होता है वो केमिकल चेंज नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। कंडेंसेशन मतलब समझते हो ना, यानी कि जो भाप बनता है ना उसको दोबारा से वो पानी बन जाना। जैसे को पहले भाप बन के उड़ता है जो हमारा लिक्विड होता है वो, फिर जा करके दोबारा अगर प्लेट वगैरह आप ले लोगे वहाँ पर, तो प्लेट में जा देखना थोड़ी देर के बाद कि वहाँ पर वो भाप दोबारा से पानी बन गया है। तो क्या होता है कि कंडेंसेशन हमारा केवल फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि इसमें केवल वो लिक्विड से पहले एयर बना, एयर यानी कि गैस बना, फिर गैस से फिर लिक्विड होता है, यही चीज़ है कंडेंसेशन। तो ये हमारा फिजिकल चेंज कहलाएगा, क्योंकि वो हमारा जो पानी था वो पानी ही रहेगा, दूसरा कुछ बना नहीं, तो ये केमिकल चेंज नहीं है। और यही चीज यहां पर लिखा भी है कि नॉट अ केमिकल चेंज, इसीलिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, यहां पर हमको फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। तो देखो पहला फिल इन द ब्लैंक क्या है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर मिलाया जाता है तो वो थोड़ा मिल्की हो जाता है। ये भी मैंने आपको चैप्टर में समझाया था डिटेल में कि मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमको कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसीलिए वहां पर वो मिल्की कलर का हो जाता है, यानी कि व्हाइट कलर का हो जाता है, ये ध्यान रखना। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बोला जाता है इसको, इसका केमिकल यानी कि रिएक्शन का नेम है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा केमिकल नेम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था और बहुत जरूरी है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत आगे तक पूछा जाता है, कॉलेज में पहुंचोगे ना वहां पर भी ये काम आएगा। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, क्लियर। और जो दूसरा कपड़ा धोने वाला सोडा होता है उसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से कहीं से भी पता कीजिए, बुक में होगा तो बुक से पता कीजिए, गूगल चाचा से पूछिए, जिससे पूछना है पूछिए, आप मुझे नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए जो घर में कपड़ा धोने वाला सोडा होता है उसका जो केमिकल नेम है वो क्या है। जैसे ये तो बेकिंग सोडा है यानी खाना खाने वाला सोडा, खाना में जो मिलाते हैं वो वाला, वैसे दूसरा वाला जो सोडा है उसको क्या बोलते हैं वो बताना है। चलो सी वाला क्वेश्चन देखते हैं, टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, यानी दो ऐसे मेथड के बारे में बताइए जिससे हम लोग आयरन को रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। तो पहला गैल्वेनाइजेशन है, वही जिसके बारे में भी हमने पढ़ा, जिसमें जिंक को लगा दिया जाता है आयरन के ऊपर, और दूसरा है पेंटिंग कर देना, पेंटिंग भी करने से आयरन जो होता है जल्दी से खराब नहीं होता, उसमें रस्ट नहीं लगते हैं। डी में चलिए, चेंजेस इन विच ओनली ब्लैंक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस चेंज आर फिजिकल चेंज, तो केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, जैसे कि साइज हो गया, शेप हो गया, ये सब अगर चेंज होगा तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। उसी तरीके से जब हमारे पास नया सब्सटेंस बन जाता है तो उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। तो ये होता है हमारा कंप्लीट यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर में, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विथ लेमन जूस, यानी कि जब बेकिंग सोडा को और लेमन जूस को मिलाया जाता है तो वहाँ पर बबल निकलते हैं और एक गैस भी निकलता है, ठीक है। तो गैस के साथ ही बबल निकलते हैं, तो ये जो है चेंज वो किस टाइप का चेंज है। तो देखो जब बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, इसको जब हम लोग मिक्स करेंगे ना लेमन जूस में, लेमन जूस का जो रासायनिक नेम है, केमिकल नेम, उसको साइट्रिक एसिड बोला जाता है। इसके बारे में आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, बेस और एसिड वाला चैप्टर, मैंने बताया था ना बहुत सारे एसिड का नाम दिए हुए थे, जब चींटी काटता है तो कौन सा फॉर्मिक एसिड डाल देता है हमारे बॉडी में, है ना, लेमन जूस वाला, और भी बहुत सारे एसिड थे, तो ये साइट्रिक एसिड लेमन जूस को बोला जाता है, इसलिए ब्रैकेट मैंने लिख दिया। तो ये दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो बबल फॉर्म होते हैं। क्यों फॉर्म होते हैं? तो क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, इन दोनों को
मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड यार प्रोड्यूस होता है, तो दिस इज अ केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज क्यों है ये भी समझ लो। तो देखो यहाँ पर लेमन जूस में हम लोग जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और अदर दूसरे सब्सटेंस भी बनते हैं बहुत सारे। तो अब अगर मैं इन दोनों सब्सटेंस को मिलाऊं यानी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे सब्सटेंस को किसी भी तरीके से मैं अगर उसमें से दोबारा लेमन का जूस निकालना चाहूँ, नींबू का रस निकालना चाहूँ, तो निकलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक बार बदल चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे सब्सटेंस बन गए हैं, तब वहाँ से हमको लेमन का जूस नहीं मिलने वाला है ना, ही बेकिंग सोडा मिलने वाला। इसीलिए हमारा क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया, इसमें नया सब्सटेंस बन गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। व्हेन अ कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, यानी जब कैंडल, देखो यही क्वेश्चन था शुरू में जो आया था ना कि वॉक्स जो होता है उसको पिघलने को क्या बोला जाता है, तो इसी बारे में आपको बता रहा था कि देखो जब कैंडल बर्न होता है तो दोनों चेंजेस होते हैं, ये तो फिजिकल भी होता है और एक केमिकल चेंज भी होता है। आइडेंटिफाई दिस चेंजेस है ना, इसको आपको चेंजेस को बताना है कि कहाँ पर फिजिकल होता है और कहाँ पर केमिकल होता है। तो गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस, और साथ में आपको दूसरा एक, जैसे एक तो एक एग्जाम्पल दे दिया कि कैंडल का बर्न होने टाइम भी फिजिकल और केमिकल चेंज होता है, वैसे एक और एग्जाम्पल आपको अपने दिमाग से बताना है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज होता हो। ठीक है, तो पहले तो हम लोग आते हैं और ये बताते हैं कि जो कैंडल जलता है उसमें फिजिकल चेंज कब होता है और केमिकल चेंज कब होता है। तो ये पहले लिख लेना आप कि व्हेन अ कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेसेस, है ना, यानी दोनों चीज़ें होती हैं। तो फिजिकल चेंज कब होगा, जब वो पिघलेगा मेल्ट होगा, और केमिकल चेंज कब होगा, जब वो उड़ जाएगा, यानी जब जलता है ना वॉक्स, यानी जो मोम होता है जब वो जलता है तो वो एवोपोरेशन भी हो जाता है, यानी कि हवा में उड़ जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो जब वो उड़ जा रहा है, गायब हो जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो नया चीज सब्सटेंस बन गया, वो दोबारा नहीं आ सकता। और जो मेल्ट हुआ है तो केवल उसका शेप में चेंज हुआ है, तो वो फिजिकल चेंज हो गया। उसी तरीके जब हम लोग खाते हैं, खाना जो खाते हैं, तो इसमें भी दोनों चेंज होता है, फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। कैसे होता है, तो फिजिकल चेंज कौन सा है, जैसे हम लोग मुंह में डाले खाना को, बड़ा सा रोटी है या बड़ा सा मैगी है उसको मुंह में डाले, तो उसको फिर हम लोग चबाते हैं, उससे उसके पीस क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, तो उसका शेप चेंज हो गया, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। और शुरू में हमने पढ़ा कि जो डाइजेशन होता है फूड का वो केमिकल चेंज है, क्यों होता है वो मैंने आपको पहले डिटेल में समझा दिया है। तो खाने में भी दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं, मुंह में हम लोग जब चबाते हैं तो फिजिकल चेंज, और जब पेट में चल जाता है तो डाइजेशन के टाइम पे केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए जल्दी से। हाउ वुड यू सो दैट सेटिंग ऑफ ए कर्ड इज अ केमिकल चेंज, यानी कि जो कर्ड होता है, दही जो जमता है ना, वो केमिकल चेंज कैसे है, ये आपको बताना है। तो देखो, जब एक बार हम लोग कर्ड को बना लेते हैं, वंस द कर्ड इज फॉर्म मिल्क कैन नॉट बी री ऑप्टेन फ्रॉम इट, दोबारा हम लोग को उसमें से मिल्क नहीं मिल सकता। दही अगर एक बार जम गया तो उसमें से दूध हमको दोबारा नहीं मिलेगा, अब वो दही खाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो मिल्क होता है और कर्ड होता है, उनका दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है, मिल्क अलग है और कर्ड जो है, दही जो है वो अलग है। सो सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज, इसीलिए जो ये हमारा कर्ड का जो जमना है वो क्या है, केमिकल चेंज है, खत्म। ठीक है, सबसे पहले तो यही यहीं पर आपको समझ में आ गया, क्योंकि दोबारा जब हमको मिल्क मिल ही नहीं सकता, यानी कि नया चीज बन गया और नया चीज बन जाता है, तो वहां पर हमारा वो केमिकल चेंज कहलाता है। आगे चलते हैं, ये भी उस टाइप से क्वेश्चन है जो मेल्ट वाला था ना, ये वाला मोमबत्ती वाला, उस टाइप से ये भी क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इंटू स्मॉल पीसेस आर कंसाइडर एज टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, यानी हम लोग जब लकड़ी को जलाते हैं और जब हम लोग लकड़ी को कट करते हैं तो दोनों अलग अलग चेंजेस हैं, ऐसा क्यों है? तो देखो इसको भी बता दो जल्दी से कि व्हेन वी बर्न वुड ए न्यू सब्सटेंस कोल इज फॉर्म, यानी जब हम लोग जला दिए तो कोल बन गया, उसका कोयला बन गया। ठीक है, तो देयर फॉर इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि अब नया चीज बन गया कोयला, अब दोबारा कोयला को आप लकड़ी बनाना चाहोगे, वुड बनाना चाहोगे, तो बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा केमिकल चेंज। हाउ एवर व्हेन वी कट वुड ओनली द शेप एंड साइज ऑफ द वुड आर चेंज, ठीक है, जब हम लोग कट करते हैं तो केवल उसका शेप और साइज चेंज होता है, कोई भी नया चीज नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, देयर फॉर इट इज अ फिजिकल चेंज, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 में जल्दी से, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर। तो देखो भाई, इसका मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया, यहाँ पर ये वाला क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस था ना, इसमें मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया है कि ये कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे बनता है। तो डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो देख लेना, ये पिछला वाला लास्ट वाला जो हमारा सेकंड वीडियो था ना इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको ये वाला टॉपिक समझाया था, तो वो वीडियो देख लेना। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अब आगे है दोबारा से, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि क्रिस्टल का जो होता है ना कॉपर सल्फेट का, उसको हम लोग एक मेथड से बनाते हैं, और उस मेथड का ही नाम है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, चैप्टर में आपको एक टॉपिक भी मिला होगा। तो इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस में हम लोग एक कप में वाटर लेते हैं या फिर बीकर में किसी भी चीज़ में हम लोग वाटर ले लेते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ड्यूलाइट का मतलब होता है लिक्विड के फॉर्म में, सल्फ्यूरिक एसिड डाले, इसके बाद उसमें उसको हम लोग थोड़ा सा गर्म करते हैं। तो जब वो सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा गर्म होने लगता है, थोड़ा स्टार्टिंग हो जाता है बॉइलिंग करने, बॉइल होने लगता है, तब हम लोग उसमें क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट डालते हैं। पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाले थे, उसके बाद अपन उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिए। कॉपर सल्फेट का पाउडर होना चाहिए, इसका लिक्विड यहाँ पर देख लो और इसका पाउडर होना चाहिए, और इसको हम जब कॉपर सल्फेट डालेंगे ना, तो साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि आपको हल्का
निकाल कर उस बर्तन को बीकर को हिलाते रहना है, स्टीरिंग करते रहना है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से पाउडर मिक्स होते जाए। तो जब वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, इट इज़ देन फिल्टर एंड अलाउ टू कूल, यानी जब देख लेना कि आप पाउडर इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, यानी पाउडर डालते जाना है, फिर देखना कि पाउडर नहीं डल रहा है यानी कि अब एक्स्ट्रा हो जाएगा, गिरने लगेगा, तो उसको क्या करना है आपको अच्छे से छान लेना है, फिल्टर कर लेना है और फिर ठंडा होने देना है। और ठंडा होने टाइम ये भी ध्यान रखना कि अब नहीं हिलाना है उसको, अब एकदम इज्जत के साथ उसको एकदम टेबल में रख दो, दोबारा उसको छेड़छाड़ उसके साथ मत करो, हिल जाएगा तो जो क्रिस्टल है ना वो नहीं बनेंगे। तो द सॉल्यूशन शुड बी केप्ट अनडिस्टर्ब, यानी वही उसको डिस्टर्ब नहीं करने का। उसके बाद स्लोली द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट आउट, तो थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखेगा, इस टाइप से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखने लगेंगे उसके अंदर। ये देखो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन रहा है, क्लियर है। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 में, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट्स प्रिवेंटेड इट फ्रॉम रस्टिंग, यानी जो हमारा पेंटिंग होता है आयरन को, जब हम लोग गेट को पेंट कर देते हैं तो उसमें रस्ट होने से वो बच जाता है, यानी उसमें फिर जल्दी से जंग नहीं लगता है, वो खराब नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखो रस्टिंग जो होता है, तो रस्टिंग इज एडेड बाई बोथ मॉइस्चर एंड वाटर, जो रस्टिंग है वो मॉइस्चर और वाटर अगर दोनों चीज़ें, यानी सॉरी मॉइस्चर मतलब तो वाटर वही चीज़ है और एयर, यानी कि नमी और हवा दो चीज़ मिलेगा तब जा करके रस्टिंग होगा। लेकिन बाई द पेंटिंग एंड आयरन गेट, जब हम लोग पेंट करते हैं आयरन गेट को, तो वी प्रिवेंट इट कॉन्टेक्ट फ्रॉम द एयर, यानी कि हम लोग क्या कर देते हैं कि एयर अब उसमें नहीं आ सकता आयरन में, आयरन के ऊपर पेंट का लग जाता है ना, पेंट अगर चिपक जाएगा तो उसमें फिर एयर नहीं घुस पाएगा। एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, साथ ही साथ उसमें जो मॉइस्चर है वो भी नहीं पहुंच पाएगा, तो दोनों चीज़ से वो क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है अगर पेंट लगाए तो, इसीलिए जो रस्टिंग होगा वो प्रिवेंटेड हो जाएगा, यानी कि रस्टिंग से बच जाएगा, जंग लगने से आयरन बच जाएगा, खेल खत्म। समझ में आया क्या होता है, यानी कि देखो फिर मैं जल्दी समझा देता हूँ, जैसे समझ में आ ही गया यार क्या फालतू टाइम वेस्ट करना, चलो ये क्लियर हो गया। बाकी डिटेल में तो हमने चैप्टर में समझा ही दिया था और आई होप आपने वो वीडियोज़ देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जाते हैं, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन डेजर्ट। ये भी देखो एक पहली ने जो क्वेश्चन पूछा था ना, इसकी सहली परेशान है ये वाला क्वेश्चन कि ओह दैट इज वाई माई फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल रस्टिंग सो फास्ट, यानी इसकी सहेली बताती है कि मेरे घर साइड जो आयरन के सामान है वो बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाते हैं, और क्यों हो जाते हैं, क्योंकि शी लिव नियर द कॉस्ट, वो कॉस्टल एरिया में रहती है। कॉस्ट किसको बोलते हैं, समझ में आया नहीं आया, रुको बताता हूँ। देखो ऐसे इलाका जो समुद्र के बगल में हो, जैसे कि गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, चेन्नई हो गया, समुद्र से सटे हुए इलाकों को ही कहा जाता है कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया में क्या होता है, नमी बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, और अभी हमने क्या पढ़ा कि जो रस्टिंग है उसको मॉइस्चर की भी जरूरत होती है और एयर की भी जरूरत होती है, तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा उतना ही जल्दी वो क्या होगा, रस्टिंग होगा, उतना ही जल्दी आयरन का सामान खराब होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, देखो इसका आंसर ऐसी लिख लेना आपको कि बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस, यानी आयरन और सॉरी आयरन बोल रहा हूँ, एयर और मॉइस्चर दोनों चीज़ों का जरूरत है रस्टिंग को होने के लिए। तो इन कोस्टल एरियाज द क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज मोर देन दैट इन डेजर्ट, यानी कि जो डेजर्ट वाला इलाका होता है, सूखा जो इलाका होता है, उससे ज्यादा मॉइस्चर कहां पर होता है, कोस्टल एरियाज में होता है। तो देयरफॉर रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट, क्लियर, एकदम सिंपल सिंपल से आंसर है, एकदम जल्दी से याद हो जाएगा। चलो जल्दी से लास्ट के दो क्वेश्चन बच गए हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन टाइप का है, समझना है और आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है 11th नंबर का कि द गैस वी यूज इन किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, इसी से हम लोग घर में खाना बनाते हैं, सिलेंडर वाला जो गैस होता है ना, यही वाला गैस होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। तो इन दी सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, सिलेंडर के अंदर तो ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, शायद आपको पता ना हो, आपको लगता हो कि उसके अंदर गैस है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम गैस, यानी जब वो बाहर निकलता है तब वो गैस बनता है, ये पहला चेंज हुआ है, ठीक है, जब वो गैस से बाहर निकला, सिलेंडर से बाहर निकला तो वो गैस बन गया, चेंज नंबर ए हो गया ये। उसी तरीके से देन इट बर्न्स, दोबारा उसको फिर क्या करते हैं, हम लोग जलाते हैं, यानी जब गैस बन गया तो फिर वो जलता भी है। तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दिस चेंजेस, चूज द करेक्ट वन, यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं ना, चेंज नंबर ए जहाँ पर वो क्या बना था, यहाँ मतलब कि लिक्विड से कहाँ गया हमारा, गैस बन गया था, डब्बे के अंदर लिक्विड था, सिलेंडर के अंदर बाहर निकला तो गैस बन गया, ये पहला चेंज था, और दूसरे में वो क्या हो रहा है, जल रहा है। तो जो प्रोसेस ये होगा हमारा वो क्या केमिकल चेंज होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं, वहाँ पर तो केवल वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया लिक्विड से गैस बने या गैस से लिक्विड बने, कुछ भी बने, वहाँ पर वो हमारा जब स्टेट चेंज होता है तो वो फिजिकल चेंज कहलाता है, तो ये केमिकल चेंज नहीं है, पहला ऑप्शन तो गलत है। बी जो बोल रहा है कि प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज, तो हाँ प्रोसेस बी जो है वो जल रहा है, मैंने आपको शुरू में एकदम स्टार्टिंग में बता दिया था, कोई भी चीज़ जले, कागज, लकड़ी, कोयला, है ना, ये गैस कुछ भी जलता है तो वो हमारा केमिकल चेंज कहलाता है, ठीक है, तो प्रोसेस भी हमारा केमिकल चेंज हो गया, ये सही है सेकेंड वाला। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बोथ प्रोसेस ए और बी केमिकल चेंज है, तो नहीं भैया ये तो केमिकल चेंज नहीं था, तो ये गलत हो गया, और नन ऑफ दिस प्रोसेस इज केमिकल चेंज, इनमें से कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, तो ये भी गलत बात है, बी वाला हमारा केमिकल चेंज है, यानी केवल इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ना वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो सेकेंड प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, ठीक। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है,
एनोरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, यानी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल का जो वेस्ट होता है या फिर मान लो कोई एनिमल ही मर गया रोड में, है ना, या फिर देखना आप उसको कुछ दिन बाद वो सड़ जाता है, तो वो सड़ता कैसे है, गायब कैसे होता है, उसको बैक्टीरिया धीरे धीरे खा करके एटमोसफेयर में गायब कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसके जो गंदगी वगैरह होता है टॉयलेट वगैरह उसको भी जो होता है ना ये बैक्टीरिया ही गायब करते हैं, प्रोड्यूस इसको वेस्ट को गैस बना देते हैं, बायोगैस बना करके गायब करते हैं। तो ये हमारा चेंज ये हो गया, ठीक है, यानी कि वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एनिमल का वेस्ट को प्रोड्यूस कर दिया, बायोगैस बना दिया। तो यहाँ पर ये एक नया सामान बन रहा है, बायोगैस बन जा रहा है। अब इस बायोगैस को हम लोग दोबारा चाहें कि वो एनिमल का लाश बन जाए, मान लो कि एक डॉगी था रोड में वो मरा हुआ है, मान लेते हैं आप साइंस पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिल में हाथ रख करके ऐसा पढ़ना ही पड़ेगा, तो डॉगी मरा हुआ था, अब इसमें बैक्टीरिया लग गया, बैक्टीरिया इसको सड़ा गला दिए और इसको गायब कर दिया एटमोसफेयर में। अब हम लोग चाहें कि एटमोसफेयर में जो ये गायब हो गया है हवा बन करके बायोगैस बन करके दोबारा से वो डॉग का लाश बन जाए और उसको हम लोग जान फूंक दे उसमें, तो ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर देखो भले वो उसका स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन एक्चुअल में उसका स्टेट नहीं चेंज हो रहा है, वो एक नया थिंग बन रहा है, एनिमल का वेस्ट से वो क्या बन जा रहा है, बायोगैस बन जा रहा है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज होगा। अभी ऑप्शन नहीं देखे हैं फिर भी यहाँ पर ये ध्यान रखना केमिकल चेंज है। आगे देखो, द बायोगैस इज टर्न देन बर्न्ड एज फ्यूल, यानी जो बायोगैस रहता है उसको फिर हम लोग अगर कलेक्ट करते हैं तो वो जला भी सकते हैं, बिल्कुल बायोगैस को जलाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसको हम लोग फ्यूल के लिए जला सकते हैं, तो बिल्कुल जला सकते हैं, और इसको बर्न किया जा रहा है तो ये भी हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तो पहला भी केमिकल चेंज बता दिया मैंने आपको, दूसरा भी केमिकल चेंज बता दिया। तो देखो वही ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, तो पहला दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका हम लोग थर्ड वाला टिक लगाएंगे कि बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, यानी कि ए वन और टू लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इसमें जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ना कि ए और बी दोनों केमिकल चेंज है, इसको आपको टिक लगाना है या फिर लिख देना है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, और ये हमारा डॉट 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 यानी कि कंप्लीट होता है यहाँ पर चैप्टर। आई होप आपने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो भी देखे होंगे और ये भी देख के आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, थोड़ा सा मज़ेदार भी है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, इसमें बहुत सारे आपको बेहतरीन चीज़ें सीखने को मिली फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में। अब इसी तरीके से मैं आपको जो आगे के चैप्टर्स हैं ना उनको भी एकदम डिटेल में समझा भी दूंगा और उनके जो नोट्स हैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा ताकि आपको याद करने में क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।